अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग बॉटनी लेक्चरशिप्स के जो इंटरव्यूज़ हुए थे उनका पार्ट सेकंड बना रहे हैं। इसके अंदर हम लोग कुछ और एक्सपीरियंसेस जो अभी रिसेंटली कलेक्ट किए हैं मैंने उनके ऊपर डिस्कशन करेंगे कि क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कौन कौन से जनरल क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो काइंडली आप इस वीडियो के साथ जुड़े रहें ताकि एंड तक आपको पता चल सके कि उनका पैटर्न क्या रहा है इस दफ़ा के बॉटनी के इंटरव्यूज़ में। तो चलें स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हमारे पास जो इंटरव्यू है उसमें सबसे पहले उनसे पूछा गया था कि इंट्रोडक्शन नहीं किया गया था इनसे, ठीक है, और पूछा गया था कि आर यू फ्रॉम डीआई खान, फिर नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ डीआई खान के बारे में पूछा गया था, फिर पूछा गया था कि वाई गोमल यूनिवर्सिटी इज़ कॉल्ड गोमल, उसके बाद व्हाट इज़ गोइंग ऑन नाउ अ डेज इन वर्ल्ड पाकिस्तान करंट सिचुएशन, यू हैव अ सोशल मीडिया अकाउंट, ये उनसे क्वेश्चन किया गया था कि क्या आप सोशल मीडिया को यूज़ करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट था, डू यू नो अबाउट द हफीज़ जलंधरी, व्हाट इज़ द कंट्रीब्यूशन टू पाकिस्तान, हफीज़ जलंधरी की क्या कंट्रीब्यूशंस थी। उसके बाद आपके साथ नेम द पीएम ऑफ पाक फ्रॉम जलंधर, जलंधर से कौन सा ऐसा प्राइम मिनिस्टर था जो पाकिस्तान का बना था, फिर कॉमन नेम ऑफ हल्दी क्या था, ठीक है। उसके बाद सूरजमुखी की फैमिली कौन सी थी, इन विच एरिया ऑफ पाकिस्तान एफिड्रा जो होता है वो मौजूद होता है। उसके बाद नेक्स्ट ये था कि चाय पी रहे थे तो फिर पूछा, मतलब उन्होंने साथ में शेयर किया कि चाय पीने के बाद उन्होंने फिर पूछा चाय का बोटेनिकल नेम क्या है, हम क्यों चाय का इस्तेमाल करते हैं, विच रोल प्ले इन आवर बॉडी, व्हाट इज़ विच केमिकल इज़ प्रेजेंट इन टी वेजिटेशन इन डीआई खान, डिफाइन स्क्रब वेजिटेशन, डिफाइन डिफरेंस बिटवीन मार्जिनल एंड एक्साइल प्लेसेंटेशन, नेम एनी फेमस स्ट्राइकी पॉइंट। तो इन्होंने कहा था कि इन्होंने तकरीबन 40 मिनट मेरे साथ हमारे साथ जो है ये टाइम स्पेंड किया था इस इंटरव्यू का पैनल का। तो ये आप देख सकते हैं कुछ जनरल क्वेश्चन भी पूछते हैं, इट्स मीन दैट यू हैव टू प्रिपेयर फॉर दैट ना, कि जनरल भी क्वेश्चन हो रहे हैं और उसके अलावा सिंपल भी क्वेश्चन हो रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट मेम्बर थे, उन्होंने ये शेयर किया था कि आर यू फ्राम बन्नू, क्या आप बन्नू से हो, ट्रैवलिंग इज़ योर हॉबी, सो व्हाट प्लेसेस हैव यू विजिटेड रिसेंटली, मतलब ट्रैवलिंग आपकी हॉबी है तो आपने कौन सी प्लेसेस जो अभी रिसेंटली विजिट की थी। फिर उसके बाद पूछा था सो यू वांट टू बी अ लेक्चरर, व्हाट विल बी योर टीचिंग अप्रोच, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मुख्तलिफ पैनल ने पैनल भी चेंज होता रहा लेकिन उन्होंने क्वेश्चन ये बड़ा मैटर कर रहा था कि आप टीचिंग कौन से तरीके से करेंगे। तो ये आप नेट के ऊपर बड़ी बेस्ट वीडियोज़ हैं इस पर, वो काइंडली सर्च कर लें क्योंकि मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मुझसे भी उन्होंने इसी पर काफ़ी टाइम लगाया था। अगर आप इसको अच्छे से आंसर कर लेते हैं तो ये आपके लिए हेल्पफुल होता है। देर आर सम स्टूडेंट इन द क्लास हु नेवर टेक एन इंटरेस्ट इन लर्निंग एंड टेकिंग क्लास, हाउ विल यू कन्विंस दोज स्टूडेंट्स टू टेक इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट, मतलब आप कैसे उनको गाइड करेंगे कि आप इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट लें। फिर अपना एकेडमिक करियर का जो है आप इंट्रोडक्शन दें, मैट्रिक से लेके मैंने फिर एम फिल तक इन्होंने इंट्रोडक्शन दिया था और उनसे कहा था कि आपने बी एस बॉटनी में फर्स्ट पोजिशन ली है, आपके पास गोल्ड मेडलस है और आपकी परसेंटेज भी बहुत अच्छी है, ये उनसे कुछ क्वेश्चन थे। उसके बाद सेकेंड मेम्बर से पूछा था कि आप बिस्कोपोनिया जवेनिका को जानते हैं और ये किस फैमिली से बिलोंग करता है, कुछ पॉइजनस प्लांट के बारे में बताएं, टिश्यू कल्चर क्या है, उसके अलावा सिस्टमेटिक और बायोडाइवर्सिटी के बारे में डिफरेंस बताएं, फिर एंथोसिरास किससे बिलोंग करता है और एंथोसिरास के कुछ स्पेशल करेक्टर्स बताएं, फिर आपने कायद अजम यूनिवर्सिटी से अपने एम फिल को क्यों सेलेक्ट किया, आप इस्लामिया कॉलेज के अंदर भी आ सकते थे, ये कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो आपको बड़े तरीके के साथ आंसर करने हैं। तो फिर थर्ड मेंबर ने पूछा था आपने प्लेनोमॉर्फ ऑफ जो पोलन है उसमें अगर पढ़ा हो कि ट्राइकोप्लेट और डाइकोप्लेट जो होता है पोलन उसमें क्या फ़र्क होता है, फिर रिसर्च की थी बीएस के अंदर तो क्या टॉपिक था, एल्जिनेट्स क्या होते हैं, हर्डी वेनबर्ग लॉ क्या है, जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या चीज़ होती है। उसके बाद एक और मेंबर ने शेयर किया हुआ है, ये मतलब ये डिफरेंट जो मैसेज होता है ये डिफरेंट मेंबर्स ने शेयर किया है, डिफरेंट ग्रुप से मैंने ऐड करके अपने पास इनको सेव किया। उसके बाद नेक्स्ट पूछा था माय इंटरव्यू क्वेश्चंस, नो इंट्रोडक्शन स्टार्टिंग फ्रॉम द क्वेश्चन, इट मींस दैट बाज़ूका तो इंट्रोडक्शन नहीं पूछते बल्कि डायरेक्ट जो है आपके साथ स्टार्ट कर देते हैं। फिर मेरी हॉबी के बारे में पूछा, बॉटनी को उन्होंने सब्जेक्ट अपना रखा है, बॉटनी का हमारी ज़िंदगी में क्या रोल है, टीचिंग मेथड आप कौन सा फॉलो करेंगे, देखिए यहाँ पे भी ये क्वेश्चन पूछा गया। फिर उसके बाद बोटेनिकल नेम जो था फ्यूनिकलम का और इसकी कंपोजिशन के बारे में, फिर जेनेटिक कोडान के बारे में, राइबोसोम्स के फंक्शन क्या थे, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर क्या था, ऑर्गेनोलेप्टिक एवोल्यूशन क्या चीज़ होती है, गेमोसिस क्या चीज़ होती है, व्हाट इज़ एफआरएस और इसका रोल क्या होता है फोटोसिंथेसिस के अंदर, ये इसके पास था। उसके बाद एक बंदा है उसका नेक्स्ट ने शेयर किया था कि आस्क क्वेश्चन सिटी की कौन सी है, विलेज के अंदर पॉलिटिकल लीडर कौन सा है और अपनी सिटी के अंदर, फिर आप एज अ टीचर क्या करना चाहते हैं इस मुल्क के लिए, कुछ क्वेश्चंस किए थे जी, फिर अपने हॉबी के रिलेशन किए थे इसहाब बाबा, और उसके बाद
रोल मॉडल कौन है, फ्यूचर प्लान क्या है, कौन से टीचर आपके फेवरेट हैं, कौन सा मेथड आप टीचिंग को फॉलो करेंगे, देखिए यहाँ पे भी ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके बाद विलेज के अंदर डोमिनेंट पॉलिटिकल लीडर कौन सा है, आप क्या करते हो और क्या करना चाहते हो। फिर उन्होंने बताया कि एक दस्तगीर साहब उन्होंने क्वेश्चन किया रिलेटेड टू माय रिसर्च, मनोशियस और डोशियस प्लांट क्या होते हैं, सेल्फ पोलिनेशन है मेज के अंदर या क्रॉस पोलिनेशन है, फिर एग्जाम्पल था डोशियस प्लांट का, फिर टोमेटो क्या चीज़ है, पोडोफाइलम की हैबिटेट के बारे में, जूनिफेरस जो फॉरेस्ट होते हैं, थर्ड जहाजेब डिग्री साथ में बता रहे हैं, ठीक है। पैरासेक्चुअलिटी क्या है, एस्कोर बेसिडी में पैरासेक्चुअलिटी पाया जाता है लेकिन वो फंजाई इम्परफेक्टी क्यों नहीं कहलाते, इंट्राफेसिकल कैम्बियम क्या है। उसके बाद ये एक और बंदे हैं जिनका ये क्वेश्चन पूछा गया है कि बॉटनी का स्कोप क्या है सोशल लाइफ में, बेनिफिट्स क्या है डेली लाइफ में, वेराइटी और कल्टीवेयर में क्या फ़र्क है, एग्जाइन क्या चीज़ है, ओजोन लेयर की डिप्लेशन है, फिर उसके बाद अल्पाइन और टेम्परेट जोन, फिर एपोकार्पस के बारे में पूछा गया, फोर करेक्टर्स ऑफ उमाइकोटा के बारे में पूछा गया, व्हाट इज़ माइकोप्लाज्मा, रोल ऑफ एब्सिसिक एसिड इन प्लांट्स, डू यू नो अबाउट कॉटन बीटी कॉटन, व्हाट इज़ डिसीजिबल, हाउ अल्ट्रावायलेट अफेक्ट द स्किन, व्हाट आर बोरियल जोन फॉरेस्ट। उसके बाद नेक्स्ट था कि क्वालिटी गुड टीचर की क्या है, बायो और बॉटनी में क्या डिफरेंस था, कौन सी बुक आप पढ़ते हैं, सीरत नबी किसने लिखी है, होली वर्स की कोई भी कुरान की आयत जो है उसको ट्रांसलेट कर सके हैं, कंपोजिटरी फैमिली के कुछ डिस्टिंग्विशिंग करेक्टर्स, हाइपोगोनस और इन्फीरियर ओवरी क्या होती है, सिप्सिला क्या चीज़ है, वीवी पेरी जो है प्लांट के अंदर वो क्या चीज़ है, एक प्लांट की मेडिसिनल वैल्यू जो कि मतलब वो कह रहे मैं भूल गया हूँ, को स्टेन जो होता है अभी स्टेनिंग ऑफ वुड में इस्तेमाल करते हैं, एपीजियल हैपीजियल जर्मिनेशन, इकोटोन क्या होता है, एग्जाम्पल इकोटोन की, इकोटाइप क्या होता है, इकोलिन क्या होते हैं। फिर उसके बाद इन्होंने पूछा कि आपका नाम किससे मंसूब है, पहले प्रॉफिट कौन थे, लास्ट प्रॉफिट कौन थे, आपको कौन सा टीचिंग मेथड पसंद है, ये देखें ये दोबारा ये क्वेश्चन पूछा गया, फिर आपके पास रिसर्च नहीं है मैं आपसे क्या क्वेश्चन करूँ, थर्ड पर्सन बैक्टीरिया की सेल वॉल कैसे बनती है, टू डिफाइन एनाटॉमी एट ऑल। और उसके बाद ये लास्ट एक मेंबर थे एबटाबाद से, एबटाबाद के नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में बात करें, वेट प्लेसेस प्लेसेज हैं एबटाबाद की उनसे बात करें, पाइन टाइप्स ऑफ एबटाबाद की बात करते हैं, फिर वीवी पेरिया, पीट सॉइल, पोडोफाइलम और लोकल नेम है, फुनेरिया जो होता है वो फैमिली और पश्तो नेम। तो ये कुछ इनका क्वेश्चंस थे जो इनसे पूछे गए थे। तो ये हमारी दूसरी वीडियो है इन एक्सपीरियंसेस शेयर की, मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने शेयर किए मैंने कोशिश की है कि आप तक पहुँचा सकूँ, तो काइंडली इस वीडियो को लाइक कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँच सके। शुक्रिया।